आज हम सभी भैया बहन कुछ भूगोलिक परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी के दो भाग हैं, एक जल और एक थल। पृथ्वी पर जल 3/4 भाग जल है और 1/4 भाग थल यानी जमीन है। पृथ्वी पर जो जल वाला भाग है वो महासागर कहलाता है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इसी प्रकार से थल वाला भाग वो महाद्वीप कहलाता है। पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। उन सभी को मिलाकर के पृथ्वी बनती है। इसी प्रकार का एक ग्लोब, ये ग्लोब का चित्र देख रहे हैं ना, ग्लोब पृथ्वी का गोलाकार नमूना या मॉडल। पृथ्वी का गोलाकार नमूना मॉडल ग्लोब कहलाता है। इसको मॉडल भी कह सकते हैं, नमूना भी कह सकते हैं। ये ग्लोब कहलाता है। इस पृथ्वी पर देश और कुछ एक काल्पनिक रेखाएं स्थित होती है, जिसे हम यह देश कहाँ स्थित है, किस अक्षांश पर है, किस महाद्वीप में है, इसका पता लगाते हैं। दूसरी परिभाषा आती है प्रायद्वीप, कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये भारत का लग दक्षिण भारत का देख रहे हैं पंच, ये जल वाला भाग है का सागर है, हिंद महासागर है। और ये थल वाला भाग यानी भूमि है। अब परिभाषा देखेंगे प्रायद्वीप की। भूमि का जो भाग तीन ओर सागर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये प्रायद्वीप की परिभाषा है। थल का या भूमि का जो भाग तीन ओर सागर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत और भी प्रायद्वीप देश हो सकते हैं। तो देखिए पूर्व में सागर है, पश्चिम में सागर है और दक्षिण में सागर है। इस प्रकार की जो आकृति है ये हमारी आप देख रहे हैं ना, ये प्रायद्वीप कहलाती है दक्षिण भारत की। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा आती है खाड़ी। ठीक इसी प्रकार इसमें थल का भाग तीन ओर जल से घिराता, ठीक उसका विपरीत करते हैं। समुद्र का यानी जल का जो भाग तीन ओर भूमि से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर उठने वाले जो मानसून है हमारे देश में वर्षा करते हैं। हमारे यहाँ वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से मानसून उठते हैं और वो हमारे यहाँ वर्षा करते हैं। इसी प्रकार से भूमि का जो भाग चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। हमारे भारत के कुछ द्वीप अंडमानी को बात और लक्षद्वीप दो द्वीप समूह है। भूमि का जो भाग चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप और इसकी द्वीप समूह। धन्यवाद।